गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये जो आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपके एक टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो आज बता रही हूं आपको जियोलॉजी में माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये आपको क्या है कि पेपर में मोस्टली आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, इसके फंक्शन वगैरह। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये मैंने डायग्राम बना के रखा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं अपन, पावर हाउस कहते हैं, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को। साथ ही आप देखोगे कि 1850 में कोपलर ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को किसमें देखा, इंसेक्ट में, जो कीट जो होता है, कीट की पेशियों में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को 1850 में कोलिकर में देखा। इसके बाद आप देखोगे कि फ्लेमिंग ने भी इसके बारे में बताया और इसको फिला नाम दिया। उसके बाद आल्टमैन जो थे, आल्टमैन वेंड्रा और आल्टमैन, तो आल्टमैन ने कोशिका का उल्लेख किया, माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका होती है उसका उल्लेख किसने किया, आल्टमैन ने किया। फिर वेंड्रा नामक वैज्ञानिक जो थे, वेंड्रा ने इसके बारे में बताया कि ये संरचना समझाई। तो आपको एक चीज बता दूं, समथिंग 50 प्रकार के माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले फ्लेमिंग ने किसमें देखा था, फ्लेमिंग ने कीट की पेशियों में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था 1850 में। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया एक समूह के रूप में पाया जाता है, जहाँ पे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसको हम कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं, यानी कि जहाँ ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम कॉन्ड्रियोसोम के नाम से भी जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है 1963 में, ठीक है, सबसे पहले 1963 में डीएनए में भी ये माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित था। इतना क्लियर हुआ, देखो माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसका बैक्टीरिया और हरी शैवाल को छोड़कर, यानी कि जो बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर के माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये अनुपस्थित होता है। पौधे एवं जंतुओं के जीवों में सजीव कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, सेंट्रोम के समीप होता है, जो सेंट्रोम जो होता है उसके समीप माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, साथ ही आप देखोगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, जब कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन के समय क्या रहता है, ये स्थिर रहता है, मतलब कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के पास ही विकृत हो जाता है, पर बाद में जब कोशिका विभाजन होता है तो संतत कोशिका में भी ये चला जाता है। अब देखो जो इसका विन्यास जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का विन्यास लगभग मछलियों में, उभयचर में तथा अन्य एकत्र कोशिकाओं में, चारों में अभिन्यास पाया जाता है इसका। इसका आकार जो होता है रॉड के आकार का भी होता है, यानी छड़नुमा भी होता है, तंतु के समान भी होता है और ग्रंथन कड़ के समान भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, इसका आकार हो गया। अब आप देखोगे कि औसतन अगर छड़ के आकार का होता है, तो छड़ के आकार में 0.35 से लेकर माइक्रॉन, मतलब 3.5 माइक्रॉन, ऐसा देखो 3.5 माइक्रॉन से लेकर 0.2 माइक्रॉन तक का होता है। ठीक है, साथ ही इसके बाद देखोगे कि स्तनधारियों में जो ये पाया जाता है 10 माइक्रॉन होता है, स्तन ग्रंथ में 10 माइक्रॉन, जो गर्भाशय जो होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है 10 माइक्रॉन होता है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि जो एम्फीबियंस वगैरह जो होते हैं, एम्फीबियंस जो उभयचर होते हैं, 500 से लेकर 1500 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं कोशिका में, 500 से लेकर 1500 तक पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें इसमें 50,000 की संख्या होती है। चूहे के एकृत में इनकी संख्या जो होती है 500 होती है। जो चूहा जो होता है, अभी एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि चूहे में कितने मतलब माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो समथिंग 500 माइटोकॉन्ड्रिया चूहे में पाए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप देखोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की मॉर्फोलॉजी में हम आ जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है 60 से 70 एंगस्ट्रॉम तक का होता है। कितना, 60 एंगस्ट्रॉम से लेकर 70 एंगस्ट्रॉम तक का माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, इसमें इकाई कला जो न्यूट्रिन मेम्ब्रेन जो होती पाई जाती है। ठीक है, इसमें दो प्रकार की, दो झिल्लियों के बीच में 60 से 80 एंगस्ट्रॉम तक का क्या पाया जाता है, द्रव भरा रहता है। बाहरी सतह जो होती है, इसकी आउटर लाइन मेम्ब्रेन होती है, आउटर लाइन भाग जो होता है 60 एंगस्ट्रॉम का होता है। कितना होता है, 60 एंगस्ट्रॉम का आउटर वाला भाग होता है। जो अंदर वाला होता है वो 60, जो इनर वाला भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो 64 एंगस्ट्रॉम होता है। ये भी क्लियर होना चाहिए कि बाहरी वाला 60 और अंदर वाला 64 होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें बहुत सारे प्रवर्ध देखे, ये उंगली के समान प्रवर्ध निकले हुए हैं, उंगली के समान प्रवर्ध दिखाई देते हैं। इसमें कण के समान देखिए ड्रेनुल्स दिखाई देते हैं, इसमें मैट्रिक्स भरा
लगे हुए रहते हैं, ठीक है, ये भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखो कि जो बाहरी झिल्ली जो होती है उसको कोर के बीच का स्थान, जो बाहरी झिल्ली है मैंने बताया 60 इंच की होगी, और जो भीतर वाली भाग जो होता है, भीतर वाले भाग में देखिए कैल्शियम भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी इसमें पाया जाएगा, साथ ही इसमें क्या पाया जाता है, जेलीनुमा जलीय पदार्थ, मैट्रिक्स भरा हुआ था इनर वाले भाग में, और बाहरी भाग में क्या पाया जाता है ओनली 60 से 80 इंच तक होता है, कोर वाला भाग कहलाता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये देखो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन हो गए, सेंट्रल कैविटी हो गई, ये ग्रैनुलर स्तर हो गए, इनके समान कवच निकलने वाले भाग हो गए, ठीक है। साथ ही इसमें क्या पाया जाता है, एक इनर आंतरिक झिल्ली जो होती है, तो आंतरिक झिल्ली भीतरी भाग में मैंने बता ही दिया क्या क्या मिलता है। देखो अमीबा में पाए जाने वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम दृष्टि विलयी कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना कि जो अमीबा के अंदर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया उसको दृष्टि विलयी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। न्यूरॉन तथा पेशिका में पाए वाले माइटोकॉन्ड्रिया अनुभय अक्ष के समानांतर होते हैं। देखो न्यूरॉन में जो पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया अनुभय अक्ष के समान होते हैं, ठीक है, ये हुआ। अब एक चीज है कि माइटोकॉन्ड्रिया की लंबवत अक्ष में लंबवत होता, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया लंबे भी होते हैं अपने अक्ष में, लंबे होते हैं और क्या है अक्षवत होते हैं। साथ ही दृष्टि जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो दृष्टि वाला भाग जो होता है ये कितना 80 से 100 एंगस्ट्रॉम आकार का होता है, 80 से 100। देखो हमने एक मेम्ब्रेन बना ली, बाहरी मेम्ब्रेन होती है, 60 एंगस्ट्रॉम की मेम्ब्रेन है, ये चीज भी है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में केमिकल कंपोजिशन में आप देखोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की रेकर नामक वैज्ञानिक ने, रेकर ने 1967 में क्या बताया, माइटोकॉन्ड्रिया के केमिकल कंपोजिशन बताई, ठीक है। तो केमिकल कंपोजिशन में क्या होता है, इसमें 70% प्रोटीन, 2 से 3% लिपिड पाया जाता है, 70% प्रोटीन है, 20 से 25 क्या पाया जाता है इसमें लिपिड, फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, ठीक है। साथ ही इसमें क्या पाया जाता है, कैरियोनाइड पाया जाता है, विटामिन ई पाई जाती है इसके अंदर, विटामिन ई अकार्बनिक यौगिक है, ठीक है, कॉपर वगैरह, साइटोक्रोम्स पाया जाता है जो ऑक्सीकरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो आज हमने आपको इसका डायग्राम बताया, इसका विवरण बताया, इसका विन्यास बताया, देन स्टूडेंट हमने इसके क्या बताया कि इसका जो केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।